हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो रोल ऑन वैक्स और नॉर्मल वैक्स के ऊपर है, जिसमें कि मैं आप दोनों को डिफरेंसेस बताने जा रही हूँ कि रोल ऑन वैक्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और जो नॉर्मल वैक्स है उससे क्या होता है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता दूँ कि रोल ऑन वैक्स जो है ये अभी रिसेंटली कुछ समय पहले से मार्केट में आने लग गया है। तो इसके क्या क्या काम होते हैं, नॉर्मल वैक्स तो आप सब लोग कराते ही रहते हैं और करते भी रहते हैं। तो अगर आप अपने पार्लर को अपडेट करना चाहते हैं और थोड़ा सा उसमें नई चीज़ें लाना चाहते हैं तो आप उसमें रोल ऑन वैक्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वैक्स होती है रोल ऑन, ये एक हाइजीनिक वैक्स है और ये इस तरीके से इस तरीके से इसकी शेप होती है और इस तरीके से इस पर रोल लग रहा होता है। ये रोल ऑन वैक्स जो होती है बहुत अच्छी एप्लीकेशन में होती है, फास्टली इससे वर्क हो जाता है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा नहीं लगता है इस वैक्स को करने में और बहुत हाइजीनिक काम होता है इससे। और जो भी नए लोग हैं जिनको नाइफ से एप्लीकेशन करने में डर लगता है या एप्लीकेशन अच्छी नहीं होती, तो इससे बहुत स्मूथली एप्लीकेशन होती है। और फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो हमारे हेयर्स निकलते हैं वो अंडर स्किन निकलता है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो ग्रोथ होती है हेयर्स की वो भी बहुत धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है, बहुत तेज़ी से बाल नहीं आते। जबकि हम नॉर्मल वैक्स से जब भी अपने वैक्सिंग कराते हैं तो जो हमारा हेयर होता है वो ऊपर से ही टूट जाता है और ग्रोथ के अंदर रह जाता है, तो क्या होता है बहुत जल्दी फिर वो वापस आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलता है कि जल्दी जल्दी बाल आ रहे हैं, तो आप उनको एडवाइस कीजिए कि आप अगर ये रोल ऑन वैक्स करवाते हैं तो इसके बाद आपके जो हेयर्स हैं कुछ सिटिंग के बाद से, फर्स्ट सिटिंग में नहीं, कुछ सिटिंग के बाद से धीरे धीरे ग्रोथ कम होने लग जाएगी, लेकिन बाल तो आएंगे ही, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अपने क्लाइंट को आपने कैसे हैंडल करना है। और ये जो वैक्स होती है ये आपके टैन को रिमूव नहीं करती, और जो ये रोल ऑन वैक्स होती है हाथों पे जो टैनिंग होती है उसको भी रिमूव करने का वर्क करती है। और जो ये वाली नॉर्मल वैक्स होती है ये जब भी हम करते हैं तो आपको देखा होगा क्लाइंट को हीट बहुत लगती है करते समय, वो बोलते हैं कि गर्म लग रही है, गर्म लग रही है। तो जब भी हम लोग ये वाली वैक्स करते हैं तो ये हमें गर्म नहीं लगती है, बहुत अच्छे से इसकी एप्लीकेशन हो जाती है और बहुत ये पेनलेस होती है, इससे दर्द भी बहुत कम होता है। जबकि नॉर्मल वैक्स से हमारे पेन होता है, और जब हम लोग रोल ऑन वैक्स करते हैं तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे क्लाइंट का भी एक्सपीरियंस है कि इससे पेन कम होता है, टैन को रिमूव करता है, अंडरग्रोथ हेयर को रिमूव करने का काम करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस वैक्स के, और अगर आप अकेले हैं तो बहुत फास्टली आप लोग वैक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मैंने ये बायोसॉफ्ट ब्रांड का जो है रोल ऑन लिया हुआ है, ये बहुत सारे ब्रांड्स में आता है, रिका में आता है, और भी कई ब्रांड्स हैं इसके जिनमें ये वैक्स आती है। तो आपको जो सूटेबल लगे, जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैंने ये 3 रोल ऑन वैक्स वाला, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट ज़्यादा आते हैं तो मुझे क्या जल्दी जल्दी सर्विस देनी होती है, तो मैंने 3 वाला लिया है कि 2 बच्चे एक साथ काम कर लें। अगर आप चाहें तो सिंगल रोल ऑन भी आता है, आप सिंगल भी ले सकते हैं अपने पार्लर के लिए एक बार स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें देखेंगे आप इस तरीके से ये आती हैं, इसमें बॉक्सेस होते हैं, इसमें वैक्स होती है। तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना होता, ये आपकी आती है ऊपर से स्ट्रिप हटा के आपको इस मशीन के अंदर डालना है और इस मशीन को आपको इस पे लगाना है हीटर पे और ऑन कर देना है। बटन ऑन करने के बाद इस पे जो लाइट आएगी रेड कलर की होगी, और जब ये गर्म हो जाएगी तो जो ये इसकी जो लाइट हो जाएगी ब्लू कलर की हो जाएगी। जब ब्लू कलर की लाइट हो जाए तब आपको समझ जाना है कि वैक्स अप करने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो इस वैक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है पहले, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इस वैक्स को करना कैसे है। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि वैक्स को इतनी देर लगा के रखेंगे, कब गर्म होगी, कब क्लाइंट की करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि हमें वैक्स तो देखिए कुछ चेंज तो करना ही है ना अपने पार्लर में, ये थोड़ा ना एक ही चीज़ हम लोग करते रहेंगे। तो चेंज करना है तो थोड़ा बहुत समझौता आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी गर्म नहीं होती, तो एक बार जब आप अपना पार्लर ओपन करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारे क्लाइंट वैक्सिंग के बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक बार इसको गर्म करके रख देती हूँ मॉर्निंग में। तो जब क्लाइंट आता है मैं थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा ओपन करती हूँ, तो ये आराम से जल्दी से गर्म हो जाता है। तो जब आप लोग पार्लर ओपन करें तो इसको एक बार गर्म कर लें जरूर आते ही, तो उसके बाद जब भी आपको करना हो दोबारा गर्म कर लें। थोड़ा बहुत तो आपको देखिए बिजली लगानी पड़ती है, अगर हम सर्विस देते हैं, क्लाइंट से पैसा ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो आप इसको लगा के एक बार रख दीजिए पहले आते ही, उसके बाद जब क्लाइंट आए तब आप दोबारा ऑन करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
और अगर आपके क्लाइंट को अच्छी सर्विस चाहिए, वो चाहता है कि हाँ मेरे को ये वैक्स करवानी है, वो अपने ग्रोथ लेट चाहता है या वो चाहता है कि मेरे हाथों पे गर्म ना लगे वैक्स, तो वो इसको करवाएगा और थोड़ी देर वेट भी करेगा क्लाइंट, अगर उसको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। और बाकी इनमें रुपयों में भी अंतर होता है, जब आप नॉर्मल वैक्स करते हैं उसके चार्ज अलग होते हैं और इसके चार्ज ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये वैक्स महंगी आती है। तो चार्ज आपको अपने पार्लर के अकॉर्डिंग रखने हैं। इससे पहले मैंने एक चार्जेस के ऊपर भी लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको चार्ज बताया हम लोग कैसे कैसे लेते हैं। तो फिर भी आपको अपनी जगह के अकॉर्डिंग चार्ज लेने हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, जो अगर आप नया पार्लर खुला है आपका और आपको चार्ज वगैरह बताने में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक दो पार्लर में पहले ट्राई कर लीजिए कि वो लोग कितना चार्ज ले रहे हैं। बहुत पुराने पार्लर्स में थोड़ा ट्राई कर लीजिए कि वो लोग क्या चार्ज ले रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो इतना चार्ज ले रहे हैं तो आप उनसे थोड़ा सा कम ही लीजिए, क्योंकि उनको वो पार्लर चलाते हुए टाइम हो गया। जब आपका क्लाइंट बन जाए अच्छा, तब आप लोग अपने चार्ज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अपने पार्लर को अपडेट करना है और अच्छी वैक्स की नीड है, तो आप ये रोल ऑन वैक्स यूज़ कर सकते हैं अपने पार्लर में। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, अगर ये बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको मैंने बातें बताई हैं, काफ़ी सारी आपको जानकारियाँ दी हैं मैंने दोनों वैक्सीज के बारे में, क्योंकि हमारा दिमाग कन्फ्यूज़ रहता है कि हम लोग क्या करें, हम लें कि ना लें। तो बस सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि पार्लर अपडेट करना है तो कुछ नया लेना पड़ेगा, और अगर आप उस नए को अपनाते हैं तो आपके कस्टमर भी और बढ़ेंगे। तो इतना ध्यान रख के ही आप अपने पार्लर के लिए नई नई चीज़ें लीजिए। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।